Yeah, assalamu alaikum. I welcome all my students to this 15th day session 1 class for this free online guidance class for TS TET, which is going to be conducted on 12th June. 12 June ko TET ka exam hone wala hai. Ye confirm hai. Tay hai. Theek hai na? To kal ek student phone karke postpone ho raha hai na TET ka exam bolke phone kar raha hai. क्या मैं कन्वीनर हूँ टेट का मालूम बोलो पोस्टपोन हो रहा है तेरा बोल तो क्या मैं टीएस टेट ऑर्गेनाइज करने वाला ऑर्गेनाइजर हूँ कन्वीनर हूँ मैं क्या हूँ मैं बड़ी मुश्किल से टिमरी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ अनुबल हैदराबाद में आप लोगों को थोड़ा गाइड कर रहा हूँ अब पोस्टपोन होने से मैं बोलना का तो लिहाजा ऐसा आप कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है इनके उनके बात सुनने सुन के आप कन्फ्यूज होकर फिर मेरे को परेशान करने की जरूरत नहीं है 12 जून एग्जाम है डैम श्योर इसमें कोई चेंजेस नहीं है चेंजेस हो तो ऑफिशियली अपने को चेंजेस आते वो लोग बोलते आप क्यों पोस्टपोन की उम्मीद में बताइए कितने लोग राजी है जी पोस्टपोन है तो अच्छा है बोल के बोलने वाले कितने लोग मेरी मेरी क्लास में बताओ कितने लोगों को है पोस्टपोन वाले कितने लोग चाह रहे अरे कई को पोस्टपोनमेंट के चक्कर में आप बोलो क्यों आपका हौसला बुलंद नहीं हो रहा क्यों आपको कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा हाँ पोस्टपोन होते क्या करते जमीन सारी क्लास छोड़ देते उतर ना आप डेट बहुत है ना बाद में देख लेंगे ना लेते रहते क्लास ये आदत छोड़ दो प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम आप जितने वादा डालते जाएंगे जितना मुलतवी करते जाएंगे उतना खसारे में रहेंगे आप दुआ यही करो कि जल्द से जल्द टेट हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब लोग एलिजिबल है टेट हो जाना टेट हो जाने के बाद क्या होता बोले तो आप फिर डीएससी हो गुरुकुल हो जो भी एग्जाम उसके लिए फर्दर प्रिपरेशन कर सकते ना कब तक लेके बैठते हो इसको हाँ टेट होगा तो फट बोल के दूसरा एग्जाम प्रिपेयर हो सकते आप तो लिहाजा आप दुआ यही करोगे पोस्टपोन नहीं होना अगर इत्तेफाक से अगर कुछ मजबूरियों से पोस्टपोन हो रहा तो आप मेरे स्टूडेंट होने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या बनती बोलते उसको भी पॉजिटिव में लेना क्योंकि चाइनीज की एक प्रभाव बोला था चाइनीज चाइना वालों की एक स्ट्रेटेजी बोला था मैं मुसीबत में सभी लोग क्या करते बोलते अपना कुछ वो निकाल लेते क्या निकाल लेते हैं अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर लेते हो तो इस तरह से पोस्टपोन हो रहा नहीं हो रहा वो बाजू को रखो 12 जून में एग्जाम है आपको लिखना है खत्म बड़ी मुश्किल से आपके पास 30-35 दिन बचे हुए हैं वो याद रख लो नहीं सर हम 30 दिन रोजे थे हम ईद का इंतजार कर रहे हैं ईद अगर कल आ गई ना उसके बाद देखो हम हमारे पास पूरी ताकत पूरी फुल आ जाती फुल पढ़ते हम फुल 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 पढ़ते क्यों रमजान में नहीं पढ़ सकते रमजान में क्लास नहीं सुन सकते रमजान में ताकत नहीं है आपके पास हाँ यही है आपका अकीदा रमजान के बाद ही पढ़ते कहते हो रमजान हो जाए साहब उसके बाद देखो हम बताते क्या बताते जी अब क्यों ना पढ़ रहे अब क्या तकलीफ हो रही है आपको सोचो आप चेंज योर एटीट्यूड आपका एटीट्यूड बदल दो आपका रवैया बदल दो और 12 जून के लिए तैयारी में लग जाओ अब रही बात सर आप खाली सीढ़ी बीच बोल रहे हैं सेकंडरी बीच बोल रहे हैं और क्या बोलो मैं उसका जो एक्सपर्ट हूँ वो बोल सकता हूँ ना मैं दूसरा तो नहीं बोल सकता ना मेरे को सांप की दवा आती तो मैं सांप के बिल में उंगली डाल सकता हूँ सुने क्या बिच्छू को उसमें क्यों डाला गुच्छी की दवा नहीं आती इन दिस वे बाकी सब्जेक्ट्स की जिम्मेदारी आपकी है आप सोशल स्टडीज नहीं पढ़ सकते क्या आप उर्दू नहीं पढ़ सकते बोलो आप मेरे को क्या आप मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्या आप ईवीएस के लेसन को पढ़ के आप समझ नहीं सकते पढ़ो आप पहले पढ़ रहे नहीं आप सबसे पहली बात क्या है बोलो पढ़ रहे नहीं आप नहीं पढ़ रहे ऊपर से क्लासेस लेवल के मेरे कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है ऐसा नहीं है तरीका आप पहले पढ़ो पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आया तो सारा मैं एक लेसन पढ़ा इसमें टॉपिक समझ में नहीं वो तो थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे मगर प्योरली मेरे ऊपर भी डिपेंड मत रहिए आप जागते रहो होशियार रहिए और मिल सर की क्लास पे कम्प्लीटली डिपेंड होने की जरूरत नहीं है अरे क्या सर ऐसा कर रहे फिर ऐसी सेवा मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे रहा हूँ गाइडेंस गाइडेंस के माने रहनुमाई दे रहा हूँ ऐसा करो थोड़े बहुत टिप्स आ रहे थे मोटिवेट कर रहा हूँ जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ टेट के थोड़े प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं मेरा मेन एरिया है सीढ़ी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी इसको आप एजुकेशन साइकोलॉजी बोलते रहते हैं राइट तो बराए करो मेहरबानी आप लोग क्या करो बोलते अपनी तैयारी भी जारी रखो जारी का मतलब आप अपना सोशल भी पढ़ लो एक दिन सोशल पढ़ो एक दिन ईवीएस पढ़ो एक दिन मैथ्स की प्रैक्टिस करो आप ग्रुप स्टडी करो ग्रुप डिस्कशन करो यूट्यूब भी देखो मत यूट्यूब फुल मत देखो यूट्यूब सिर्फ 1 घंटा 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा बस 2 घंटे से ज्यादा यूट्यूब नहीं देखना अरे क्या सर मोबाइल डाटा फुल है मेरे पास घर में वाईफाई कनेक्शन है मोबाइल मेरे पास है अच्छा मोबाइल है 1 लाख रुपए का कौन सा मोबाइल है वो 1 लाख रुपए का वो S21 प्लस यानी तो फिर आईफोन आईफोन है मेरे पास
हमारे भाई। हाँ ठीक है, कोसा गया, बराबर 1.5 लाख का फोन चला। मैं सुन सकती हूँ, देख सकती हूँ, मतलब फायदा नहीं है आपको, आगे खराब आते आपकी गर्दन दुखती है आपकी, 1 घंटा 2 घंटे बहुत होगा यूट्यूब। ज्यादा डिपेंड रहना, किस पे डिपेंड रहना, कम्प्लीटली टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट वो भी गवर्नमेंट बुक गवर्नमेंट की एससीईआरटी की टेक्स्ट बुक, बस खत्म। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको गाइड कर रहा हूँ सीडीपी के लिए, टेंशन मत लो, ठीक है ना। सो इस मोटिवेशन के साथ मैं आपको, मैं मेरी सीडीपीपी क्लास, जहां पर हम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग तकरीबन स्टेजेस एलिजाबेथ हरलाक के मुताबिक इंसान के नशोनुमा के अदवार मरहले 10 ML के उन्होंने बताया है, उसमें से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह न्यूनाटल इन्फेंसी क्या है देख चुके। इन्फेंसी का और एक नाम क्या है जी, इन्फेंसी में क्या लिखा हुआ है और एक में क्या सिखाया आपको, बेबीहुड बेबीहुड, बेबीहुड बोलते हैं, ठीक है ना। बेबीहुड तो इस तरह से आप ये सीख लेना है आपको, क्या बोलते हैं, इन्फेंसी, बेबीहुड, ठीक है ना। और उसकी एज होती, ठीक है ना, एज होती, वो एज के हिसाब से भी आपको याद रखना है। घुमा फिरा के न्यूनेटल इन्फेंसी कम्प्लीटली पैदा से लेकर 2 साल तक का वक्फा है, जिसके अंदर नौमुलूद का जो वक्फा है 2 साल का है, वो बेबीहुड में ही, शीर ख्वारगी में ही शुमार है, ठीक है ना, उसमें ही इंक्लूड होके, ठीक है ना। तो रही बात, आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड थर्ड पे, 3 नंबर पे क्या है बोलो, जिसको दिख रहा हूँ लोगों, 3 नंबर पे क्या है, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड डिस्कस करेंगे, इब्तदाई ठीक है ना। बचपन, अर्ली चाइल्डहुड, इब्तदाई बचपन को डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे, देखो ये 10 स्टेजेस तो एलिजाबेथ हरलाक की किताब है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में है, पर एक्चुअली चाइल्डहुड के माने क्या है बोलता, पैदा से लेकर तकरीबन 17-18 साल तक, ठीक है ना, 18 साल तक माना जाता यूनिवर्सली, यानी बैन अल-अक़वामी सतह पे, ठीक है ना, आलमी सतह पे तस्लीम शुदा ये जो स्टेजेस है बच्चों के, स्टूडेंट्स के, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टेजेस क्या है हमारे पास बोले तो, ये 3-4 है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, एडल्टहुड। आप बड़ी मुश्किल से इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट अगर पढ़ लिए ना, टेट के लिए काफी है, टेट के लिए, डीएससी के लिए, हर एग्जाम गुरु के लिए काफी, एडल्टहुड की आपको जरूरत नहीं है। एडल्टहुड क्या है बोले तो, अब वो अलग है मामला, वो जरूरत नहीं है एडल्टहुड से, एडल्ट को पढ़ाने वाले, पढ़ाने की सब्जेक्ट को सीडी भी बोलते जी, नो सर, नहीं बोलते, नहीं नहीं बोलते, क्या बोलते, बोलते, क्या बोलते, एडल्ट को पढ़ाने के सब्जेक्ट को क्या बोलते, एंड्रू को, एंड्रू कॉल, एंड्रू ए फॉर एडल्ट, कॉल, ए फॉर एडल्ट, ए एंड्रू, फॉर एंड्रू एंड्रू, कॉल, ए फॉर एडल्ट, ए फॉर एडल्ट, एंड्रू, ए फॉर एंड्रोगॉजी, याद रख लेते, ऐसा द साइंस ऑफ हाँ टीचिंग जी फॉर द सर, एडल्ट, एंड्रोगॉजी। अच्छा, टेक्निक है ना यहाँ पर, याद रखना का, ऐसे हो ऐसे हो, ठीक है ना। बड़ी मुश्किल से ये जी इंटरमीडिएट, इंटर और डिग्री क्या बोलते हैं, यूजी बोलते हैं, इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ाने का, या यूजी, या तो फिर पीजी, ठीक है ना, इस तरह से एंड्रोगॉजी। मालकम नोस इसके इसके बानी है, उसका जरूरत भी मैं बाद में समझाता हूँ। तो हम स्टेजेस में क्या करें, प्रीनेटल स्टेजेस और पोस्टनेटल स्टेजेस देखें। प्रीनेटल में जायगोट, एम्ब्रियो और फीटस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर नॉलेज पर्पस आप देख लिए, और इसकी एज वगैरह भी बताया था मैं आपको, जायगोट की, इसके फीचर्स भी बताए थे हम। पोस्टनेटल स्टेजेस में देखेंगे, 10 स्टेजेस है, उसमें से हम न्यूनेटल के बारे में पढ़े, और आपको नोट्स बनाने का तरीका मैं समझा दिया था, इस तरह से आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंट टर्म्स इस तरह से आपको लिख लेना है, फिजिकल डेवलपमेंट, ये अगर बेबीहुड की बात करेंगे हम तो इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट टर्म्स, फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह होता है उनका, सबसे पहला जो सेंस ऑर्गन जो डेवलप होता है वो टच है, और सबसे लीस्ट, सबसे देर से जो सेंस ऑर्गन डेवलप होता है वो बिनाई है, ठीक है ना। इस तरह से इनके यही स्टेज में इनकी मिल्क टीथ, जो दूध के दांत होते हैं वो आते हैं, और हेड का जो साइज होता है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है इस स्टेज में, और रैपिड ग्रोथ होता है यहाँ पर। देखो न्यूनेटल में डेवलपमेंट नहीं होता, याद रखो, न्यूनेटल यानी 1-2-3 हफ्ते तक क्या होता है, उसका वेट कम होता बच्चे का, 2 साल के बाद, 2 हफ्ते के बाद जो पिकअप में लेता वो रैपिड ग्रोथ, बहुत ज्यादा स्पीड में चेंजेस होता। मोटर स्किल्स वाला में हरकियाती महारतें जो है, ग्रास मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, ये देख चुके हम, एंड मेंटल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। परसों कुछ पूछ रहे थे मेरे को, बैबलिंग क्या है, कुइंग क्या है, बोल के समझा दिया ना, कुइंग क्या है, बैबलिंग क्या है, समझ गया ना उस दिन, आप लोग वीडियो भी बताना, हाँ सर, हाँ नहीं तो आप यूट्यूब पे आप लोग भी देख ले सकते। हाँ उसके सर, बाद हम लोग, उसके बाद हम सर लोग देखे सेक्सुअल डेवलपमेंट, सेक्सुअल डेवलपमेंट बताते वक्त करंट चले गया था, या कुछ नहीं है, आप हर स्टेज में, हर मरहले में हम लोग सारे डेवलपमेंट देखते हैं, जिसके अंदर सेक्सुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट आता है। यहाँ पर सेक्सुअल डेवलपमेंट में जनरली अक्सर नाम किसका लिया जाता बोलता,
सिगमंड फ्राइड का नाम लिया जाता, कोई बता सकते हैं सिगमंड फ्राइड का नाम हम सेक्सुअल डेवलपमेंट में अक्सर क्यों लिया लेते? इसलिए कि इनका जो इनका नहीं इनका हाँ इनकी थीरी है, इनकी थीरी का नाम क्या है, मतलब साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, साइको एनालिसिस थीरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। वहां पर इड, ईगो, सुपर ईगो और कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और इनेटॉस, थेराटॉस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इनके, वो हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, हम सीखना चाह रहे हैं सर साइकोलॉजी, बोले तो मैं एक दिन क्लास ले लेता हूँ। इसकी सिलेबस में तो नहीं है सिगमंड फ्राइड का, मगर सिगमंड फ्राइड को लिंक करते हो क्वेश्चन आ सकते हैं। सिगमंड फ्राइड आप इड नहीं मानो, इड बोले तो आईडी इड, ईड बोले तो ईद को बोलते क्या साहब, रमजान की ईद को बोलते क्या, हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, ईद आईडी भी लिख सकते हैं, आईडी भी लिख सकते हैं, नहीं है एक्चुअली इड के माने कुछ और है, सुपर ईगो, इड और ईगो, सुपर ईगो, बहुत सारी चीजें। ईगो का जो हम तस्वुर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो अलग है। सिगमंड फ्राइड के मुताबिक, साइकोएनालिसिस के मुताबिक, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के मुताबिक ईगो सुपर ईगो के माने कुछ और है, ठीक है ना। लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थीरी है मोरल डेवलपमेंट थीरी, ये ईगो पे मुनसिर है या सुपर ईगो पे मुनसिर है, कोई बता सकते हैं? सुपर ईगो सर, सुपर ईगो। क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका? आपका जमीर है, आपका जमीर है, आपको क्या गाइड करता बोलते, गलत काम नहीं करना, गलत काम करने से गुनाह होता, सजा मिलती, दोजख में जाते, इस तरह से गाइड करता आपको, बुरे काम से रोकता आपको सुपर ईगो, ठीक है ना। तो इस तरह से मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता। आपको क्वेश्चन आ सकता कल, सुपर ईगो वर्क्स ऑन दिस फॉलोइंग प्रिंसिपल, बल्कि पूछता प्रिंसिपल ऑफ मोर्टालिटी, प्रिंसिपल ऑफ समथिंग, कुछ भी दे देता, सही आंसर क्या रहता आपका, तो प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, ठीक है। तो इस तरह से सिगमंड फ्राइड का जिक्र सेक्सुअल डेवलपमेंट में लिया जाता है। यहाँ पर इस मरहले में शीर खॉर्ग में बच्चा जो तस्कीन हासिल करता उसका, वहां पर वो जो इस मरहले में जो मुंह होता ना, मुंह उसका बच्चे का, मुंह यानी दो होंठ है ना, आप गौर करके देखो, जो भी चीज देते मुंह में डाल लेता, जो भी चीज डालो मुंह में डाल लेता, ठीक है ना। और मेखात की पैदा, ये भी बताया मैं आपको, एनल मैनिपुलेशन से भी यहाँ पर बच्चे तस्कीन हासिल करते हैं, और यहाँ पर होंठ का ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसको एक्चुअल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरल स्टेज बोलते हैं, ओरल स्टेज है। देन यहाँ पर हम सोशल डेवलपमेंट देखें, यहाँ पर सॉलिटरी प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था लास्ट टाइम में। और यहाँ पर इमिटेशन, सातवें आठवें महीने से इमिटेशन करते, और बच्चे की दुनिया जो होती वो उसका घर ही होता। तो शीर खारगी में लिसानी नशोनुमा कौन से महीने से शुरू होता? चौथे महीने से शुरू होता, ठीक है ना। और कुइंग कहाँ से, कुइंग कब से शुरू होता बोलते, चौथे महीने से शुरू होता। जनरल टू स्पेसिफिक अपने इमोशंस को कन्वर्ट करता बच्चा, वो कौन से मंथ से होता? फोर्थ मंथ से होता। क्यों बोले तो फोर्थ मंथ तक बच्चा सिर्फ ऑब्जर्व करता, उसको बात करने की सलाहियत नहीं आती। लैंग्वेज डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट कब से चालू होता उसका बोलते, फोर्थ मंथ से बोल सकते, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम कुइंग, देन बैबलिंग, देन स्लोली उन्हें क्या करता, सबसे पहले बच्चा नाउन सीखता है, वर्ब सीखता, नाउन सीखता। दुनिया में सबसे, दुनिया का कोई भी बच्चा ले लो, पहले नाउन सीखता, और नाउन में सबसे पहला वर्ब क्या सीखता बोलते, माँ बोल के सीखता, अम्मी बोलना सीखता, मम्मी बोलना सीखता। तो इस तरह से नाउन सीखते बच्चे, वर्ब सीखना होता आसान नहीं है, वर्ब के लिए बहुत नॉलेज होना पड़ता। इन दिस वे बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता। तो आज हम देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड, इसको क्या बोलते हैं डीएलएड में। डीएलएड में एक सब्जेक्ट है, बोल सकते हैं जी डीएलएड में फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट है आपका? उर्दू में क्या बोल सकते हैं? उर्दू, उर्दू मीडियम वाले उर्दू बोलो, ईसीसी वो सब्जेक्ट का नाम बोलो। इब्तदाई बचपन की निगहदाश्त और तालीम, सही बोला मैं, लिख लो निगहदाश्त और तालीम, निगहदाश्त और तालीम, केयर के माने निगहदाश्त के और तालीम के। मैं कैकू से कह रहा हूँ उर्दू के टर्म्स बोले तो, ये प्योर प्योर उर्दू मीडियम वाले क्या करते बोलते, टेट में ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, फटो जाते ले आते, फिर मेरे को फोन, एग्जाम होने के बाद मेरे को फोन करते, वो निगहदाश्त क्या है साहब, कैकू ने सिखाया बोल के, वो एक परेशानी है, जितना हो सकता उतना मैं आपसे जजमेंट कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सीखने की कुछ बोला निगहदाश्त बोलते, ठीक है ना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है बोले तो, बी एड करने वाले बच्चे को पूछो, आप खुद बी एड करें, बी एड में कौन से सब्जेक्ट अभी तक आपको नहीं मालूम, आई एम राइट, बी एड में क्या सब्जेक्ट से आपको करेक्ट नाम तक बोला नहीं आता, क्या बोल रहे हैं, साइकोलॉजी बोलता है, उसका नाम साइकोलॉजी नहीं है, बी एड में साइकोलॉजी का नाम साइकोलॉजी नहीं है, और इंटरमीडिएट डीएलएड में साइकोलॉजी का नाम साइकोलॉजी नहीं है, उसका नाम कुछ और है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, वेरी गुड, आप बहुत हुशियार देख रहे हैं, कौन सा डेट क्या,
कौन सा डेट है आपका? हाँ विकाराबाद के बच्चे बहुत होशियार रहते हैं, कई को बोलते मेरे स्टूडेंट बहुत होशियार रहते विकाराबाद मैं विकाराबाद पढ़ा। एनीवे तो देखो ईसीसीई आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो डीएलएड में जो सब्जेक्ट था उसका नाम क्या था, ईसीसीई था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पेपर थ्री है डीएलएड फर्स्ट ईयर का, पेपर थर्ड है ये। और मेरे पास इत्तेफाक से किताब है तेलुगु अकेडमी की, वो तेलुगु मीडियम में है क्योंकि मैं तेलुगु मीडियम में पढ़ के आप लोगों को उर्दू में समझाने की कोशिश करता हूँ। तेलुगु में क्या होता है, पूर्व बाल्य दशा क्या है जी, संरक्षण विद्या, संरक्षण बोलते नहीं क्या, ठीक है ना। एनीवे इंट्रोडक्शन में देखिए ये उसकी उम्र क्या है, अर्ली चाइल्ड की, अर्ली चाइल्डहुड की उम्र 3 साल से 5 साल। एलिजाबेथला का अगर आप दर्जा बंदी देखो तो क्या रहता है वहां पर, 3-6 रहता। कंफ्यूज नहीं होना, 1 साल 2 साल में कुछ होने वाला नहीं है, कोई बड़ा आपको नुकसान होने वाला नहीं है, डरना नहीं, ठीक है ना। अरे क्या सर 1 साल कम कर दिया, 1 साल बढ़ा दिया, मेरी उम्र होती है क्या, उसको बेकार बता, 1 ईयर इधर उधर होता है। ये जनरल क्लासिफिकेशन में आपको समझा 3-5 ईयर, 3-6 भी ले सकते हो उसको, अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो अर्ली चाइल्डहुड बोलते जो आपको जहन में क्या ना बोलते, आंगनबाड़ी याद आना, क्या याद आना, आंगनबाड़ी याद आना, ICDS याद आना, बालवाड़ी याद आना, नर्सरी स्कूल से याद आना, LKG UKG ठीक है ना, प्री स्कूल, ये सारी चीजें याद आना। तो सेकंड लाइन में लिखा देखो एजुकेशनिस्ट के मुताबिक ये स्टेज का नाम क्या है, बोलते प्री स्कूल एज बोलते, क्या बोलते उसको, प्री स्कूल एज बोलते। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक ये दौर को क्या बोलते हैं, बोलते गुरुही दौर, बोलते गुरुही दौर, गुरुही दौर बोलते, ये प्री गैंग स्टेज बोलते उसको, मुठा दशा बोलते तेलुगु में, मतलब पूरे गैंग्स बना लेते बच्चे यहाँ। आप गौर करके देखो ये बच्चे जो रहते आंगनवाड़ी के, जो छोटी उम्र के जो बच्चे 6 साल से कम बच्चे जो हमारे घर में स्कूल को जाने से पहले जो घर में एंजॉय करते हैं, घर में जो चीजा तोड़ना फोड़ना सताना जो बच्चे रहते ना 6 साल के अंदर के बच्चे, उन लोगों की गैंग रहती है। कल रात में देखा मैं यहाँ खाना खा के घूम रहा था हमारी कॉलोनी में, पूरे 5-6 साल के बच्चे गैंग बना के फिर रहा, 5-6 साल के बच्चे गैंग बना के फिर। अब वो बाजू वाले गाले अंदर, अरे जाओ रे चलो निकलो चलो किसके घर आओ चले आओ, सीमा तुम अंदर आ जाओ बोल के उनको बुला, मम्मी बुला ले रहे। उनको ये नहीं मालूम, उन्होंने जमील सर क्लास अटेंड नहीं करे, उनको अर्ली चाइल्डहुड नहीं मालूम, उनको प्री गैंग स्टेज नहीं मालूम, कहीं बोलते ना डीएलएड नहीं करे, ठीक है ना, डीएलएड करे भी तो शायद क्लासेस को नहीं गए, उनको नहीं मालूम सारी चीजें। और वो ग्रुप की खासियत क्या रहती है, कोई बता सकते ग्रुप की खासियत क्या रहती, पूरे के पूरे बच्चे थे, पूरे के पूरे बच्चे थे, समझ लो हाँ, दे फॉलो द सेम सेक्स, ठीक है ना। वो लोग किसको पसंद करते बोलते, वो एक ही जींस के बच्चों के साथ रहते, अगर बॉयज थे तो पूरे बॉयज थे, गर्ल्स थे, कल मैं जो देखा पूरे गर्ल्स थे इत्तेफाक से, ठीक है ना। एनीवे दिस स्टेज इज आल्सो नोन एज चार्टरबॉक्स स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल आपको एग्जाम में आ रहा टेट में क्या बोलते, चार्टरबॉक्स स्टेज किसको बोलते हैं बोलते, अर्ली चाइल्डहुड को बोलते चार्टरबॉक्स स्टेज, ठीक है ना। प्री स्कूल का मतलब क्या है बोलते, प्री स्कूल एज इसलिए बोल रहे हैं, नर्सरी LKG UKG ये तीनों को मिला के हम क्या बोलते जी, प्री स्कूल बोलते, क्या बोलते हैं, प्री स्कूल, प्री स्कूल। क्लास की एंडिंग पे मैं आपको नर्सरी क्या है, मॉन्टेसोरी क्या है, आंगनवाड़ी क्या है, एंड 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 और क्या बोलेंगे क्रेच क्या है, आंगनवाड़ी, ये सारी चीजें आपको मैं थोड़ा बोलने की कोशिश करूंगा टाइम रहा तो, ठीक है ना। और चार्टर बॉक्स बोल तो बच्चे ये वो ये पुका लेते हैं, क्या चीज बोलते रहते हम, और करे आपके बच्चों को क्वेश्चन ज्यादा पूछते सर, नहीं 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 क्वेश्चन नहीं पूछते, मैं वही देख रहा था कौन जरा एडवांस को आंसर कौन देते बोले, नहीं 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 अभी वहां रखो जाओ, अभी नहीं कहा मैं वहां तक, नहीं कहा वो वहां तक क्वेश्चन नहीं पूछते, हाँ बेकार की बात रहती है, मीनिंगलेस कंटिन्यूस कारण गाओगी क्या नहीं, ठीक है ना। अब गौर करके देखो दिस इज द सब्जेक्ट वेरी गुड ऑब्जर्व एंड यू कैन लर्न, बकवास बोलते सर, बकवास बेकार की बात है, बकवास बोलते चीज को बेमतलब, एज ऑफ क्वेश्चनिंग अलग है, एज ऑफ क्वेश्चनिंग क्या है बोलते, लेटर चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड में बाद आपका स्कूल को जाते रहता, ये चांद हमारे पीछे कई बार पूछता बच्चा गाड़ी में बैठ के कार में बैठ के क्या बोलता, ये चांद हमारा क्यों फॉलो कर रहा पूछता, पापा को जवाब देने आता सिर घुजा लेते हो ना, उन्होंने बिजनेस में चांद कौन है, चांद किधर है, चांद कई बार आप इच्छे बोले दोनों और स्पीड भगाते गाड़ी, पापा कई को भगाते मालूम,
शान हमारे पीछे कई बार पप्पा बोले तो गाड़ी स्पीड भगाते शान से पीछे छोड़ा आराज पप्पा नहीं छोड़ा तो और भगाते स्पीड गाड़ी कई को बोले दोनों चांद करने से 1,00,000 रुपए खर्चा लिए थे चांद भाई खर्चा लिए थे बाद में घर को जाने के बोलता घर को जाने का बोलता अभी भी है चांद अभी भी दिख रहा होता घर में जाने का बोलता चांद घर में दिख रहा होता और परेशान हाँ बी बेशक चांद भाई घर में ऐसा कैसा मेरे को पकड़ बोले एनी वे दिस इज ए काइंड ऑफ लॉजिकल एज ऑफ क्वेश्चनिंग डिफरेंट है यहाँ पर देखिए ईसीसी आईसीडीएस अंगनवाड़ी बालवाड़ी मारिया मांडेसोरी केजी फ्रोबेल का भूल गया फ्रोबेल का कौन सा स्कूल है जी प्ले वे मेथड केजी क्या बोलते हैं किंडर गार्डन बोलते हैं गिजू बॉय बोलते ताराबाई बोलते हाँ इनके बारे में सबके बारे में मैं आपको लास्ट में बोलता हूँ ठीक है ना कौन कौन है ये चैंपियन कौन कौन है क्योंकि ट्रेडमिल के बारे में ये मन जनरल नॉलेज के लिए बोलता था फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पर अर्ली चाइल्ड में अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है अर्ली चाइल्ड स्टेज में ये क्या बोलते हैं इसको एज ऑफ एक्सीडेंट बोलते थे क्या बोलते हैं इसको एज ऑफ एक्सीडेंट हाँ कई को एक्सीडेंट होता है कल आ सकता है आपको ट्रेड में सवाल क्योंकि इनकी क्या इनके कौन सी मोटर स्किल्स इनकी क्या होते बोलते डेवलप नहीं होती है स्टेज मोटर स्किल्स में आपको पहले सिखा दिया नहीं पूछना मेरे को क्या है मोटर स्किल्स ये देख रहे ना मोटर स्किल्स बोलते जो मूवमेंट रहते हैं बॉडी का जो मूवमेंट होता है ना दो किस्म के रहते हैं ग्रास मोटर फाइन मोटर ठीक है ना तो मोटर स्किल्स डेवलप नहीं होने से हरकियाती महारतें फरोग नहीं पाने से नशोनुमा सही नहीं होने से ये बच्चे अक्सर स्टेज के गिरना पैरों को माल लगा लेना ठोकरना कुछ भी आप देखो गौर करके देखो ज्यादा अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं बच्चों ठीक है ना और उसके बाद चाइल्ड डेवलप ये इनके पास ये इसमें क्या होता बोलते हैं इनके हैंड स्किल्स लेग स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं हैंड स्किल लेग स्किल्स में तो क्या है बोल सकते हैं मम्मी रोटी बेलते रहती इन्हें भी जाके हेल्प करते रहती बच्ची तरकारी काट रहे थे आगे बाजू बैठ कुछ तो भी कोशिश करते रहते बच्चे उनके लेग और हैंड डेवलप हो जाते ठीक है ना मेरे को भी तो मैं भी रोटी बनाती हूँ बल्कि आटे का मुद्दा ले गई हूँ खेल लेते रहते कुछ तो भी करते रहते हैंड और लेग स्किल्स डेवलप हो रहे बल्कि समझना अब ये जमील सर की क्लास अटेंड नहीं कर से मदर क्या करते तो बच्ची वो हाथ में क्या रहता है रोटी बोलते से क्या रहता जी वो बेलन लगे कमी नहीं क्या करती देना उनको वो एज का प्रॉब्लम जो उसके लेग स्किल्स डेवलप हो रहे करने देना थोड़ा दे देना खेल लेते कर लेते थोड़ा आटा खराब होता है रोटी खराब होता है आटा लेके अपन रोटी बनाने की कोशिश करते हैं दे देना उनको हैंड लेग स्किल्स डेवलप होते हैं ना हेल्प करते कल के दिन आपको हेल्प करते हैं कल के दिन आपको बुखार आया है ठीक है उन्हें तो रोटी डाल के देते हैं आप अरे बहुत अच्छा स्वभाव बढ़ गया खुश होते बार ठीक है ना बाजू वालों को बोलते मेरी बच्ची रोटी डाल के हाँ तुम्हारी बच्ची डाली अर्ली चाइल्डहुड में है ना जी तुम्हारी बच्ची हाँ अर्ली चाइल्डहुड में है मगर हमारी बच्ची को हम क्या करें बोलते उसके बिहेवियर में हम चेंज लाए ड्यू टू ट्रेनिंग ड्यू टू टीचिंग ड्यू टू एक्सपीरियंस उसको बोलते हैं साहब कौन सी गए अच्छा बात कर रहे हैं तुम कहाँ सीखे जमील सर क्लास अटेंड करे तुम नहीं करे क्या नहीं करे नहीं है क्लास आ यूट्यूब में अटेंड करो क्लिक करो देखो फिर दूसरों को बोल दो तो इस तरह से आप रवैये में चेंज ले कर सकते ड्यू टू योर एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग ठीक है तो बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए एक्सपीरियंस होता उनको भी थोड़ा बहुत फिजिकल ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस फास्ट एज इन्फेंसी स्टेज यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ये स्टेज के बच्चे जो होते ना यहाँ पर उनका जो फिजिकल ग्रोथ होता उतना तेज नहीं होता जितना शीरखोरगी में था शीरखोरगी में देखो ज्यादा जल्दी बढ़े जाते बच्चे ये स्टेज में उनका फिजिकल ग्रोथ उतना फास्ट नहीं होता जितना शीरखोरगी में होता ठीक है ना फिजिकल ग्रोथ को उर्दू में क्या बोलते बल्कि मैसेज आया फिजिकल ग्रोथ जिस्मानी नशोनुमा ठीक है ना वेरी गुड हाँ उसके बाद कॉग्निटिव या मेंटल डेवलपमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं क्रिएटिव एज क्या बोलते हैं क्रिएटिव एज बोलते हैं क्रिएटिव क्रिएटिव एज कई को बोलते बोले तो यहाँ पर बच्चे क्या करते बोले तो यहाँ पर चिल्ड्रन शो मोर क्रिएटिव देन प्ले ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड मैं अभी आपको बता उनको अगर आप आटा देंगे तो आटे से कुछ ना कुछ बना के कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी बताने की कोशिश करते हैं इसलिए क्या बोल रहे साइकोलॉजिस्ट क्या बोल रहे बोलते दिस एज इज नोन एज अ क्रिएटिव एज ठीक है ना इसीलिए इसको क्या बोलते बोलते दिस एज इज नोन एज क्रिएटिव एज बोलते ठीक है ना देन वही उनके रीजनिंग के बेस पे वही क्रिएटिविटी के बेस पे क्या करते हैं लोग अक्सर ज्यादा सवाल करने की भी कोशिश करते हैं इसलिए इसको क्या बोला गया बोलते एज ऑफ क्वेश्चनिंग भी बोला गया है ठीक है ना एज ऑफ अगर क्वेश्चन करना है तो बच्चे के पास कौन सी चीज होना पड़ता है जी क्वेश्चन करना बोले तो बच्चा
तो उसका लिंग्विस्टिक लैंग्वेज डेवलपमेंट अगर अच्छा है तो बच्चा सवाल कर सकता है। तो यहाँ पर इसलिए लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या बताया गया, यहाँ पर बच्चा देखो लैंग्वेज कैसा सीखता बोलते, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी समाजी माहौल से बच्चों को जबान लिसान या जबान सीखने की कोशिश करता। अगर समझो आपके घर के बाजू कोई तमिलियन है, तमिलियन तो घर उनके घर को बार बार जाके उनकी जबान उनके गाने सापटिया ईटा मारिया क्या बोलते रहते, ये क्या बोल रही है, तो क्या बोल रहा है माँ तुम, बोले तो वो अंकल खाना खाए क्या पूछते हो, हंस लेते बोले ठीक है ना। तो इस तरह से माहौल का असर यानी तो सोशलाइजेशन का प्रोसेस सिखा सकते हो तो लैंग्वेज ठीक है ना। चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट इन सोशलाइजेशन प्रोसेस। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एक्सप्रेशन एंड बॉयज एक्सप्रेशन फीलिंग्स। ये लड़कों का लड़कियों का तासरात बयान करने का जो अंदाज होता लैंग्वेज का अलग अलग होता, लड़कों का थोड़ा अलग होता, लड़कियों को थोड़ा मुहजिब अंदाज में शायद वो लोग बोलते ठीक है ना। चैटरबॉक्स स्टेज का मतलब कोई पूछ रहे थे अभी मेरे को क्या करा बोले तो उसके मीनिंग भी लिख दिया मैं पर। क्या है जी चैटरबॉक्स स्टेज बोले तो नॉन स्टॉप टॉपिक, आप गौर करके तो छोटे बच्चे चुबट चुबट बोल के पुकारते रहते, गौर करे आप हमारा बात करते तो छोटे बच्चे क्या की पुकारते रहते चुबट बोल के हकाल देते, तो खामोश बैठा बोल के खामोश बिठाना ना बिठाना उसको दीवार है दोनों मस्त सहेलियां बातें कर ले रहे उनके बच्चे इनके बच्चे सता रहे दीवार पे चढ़ रहे चुप बैठा बोल के बोलना। परसों एक हमारे सार बोल रहे थे ये कोसा की स्कूल की तारीफ कर रहे थे, जबरदस्त स्कूल है और जबरदस्त प्रिंसिपल है जबरदस्त टीचर भी है, वो कहीं को पूछा अच्छा सुना कई को बोलते ना मैं विजिट को गया था स्कूल को, क्या स्कूल क्या प्रिंसिपल पिन ड्रॉप साइलेंस है कहते स्कूल में, क्या कहते पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते सुई भी गिरता आवाज नहीं आती कहते आवाज आती कहते उतना खामोश है कहते स्कूल में। तो वो स्कूल की तारीफ कर रहा है ना बहुत अच्छा स्कूल है, क्या सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म यही सिखा रहा आपको खामोश बिठा बोल रहा बच्चों को फिंगर ऑन लिप्स फिंगर ऑन लिप्स फिंगर ऑन लिप्स बार बार म्यूट कर रहे हैं जमील सर बार बार म्यूट कर रहे हैं, क्या जमील सर की जूम क्लास है चुप म्यूट करने म्यूट करके सिखाना कोई तरीका है जी बताओ मेरे को। पिन ड्रॉप साइलेंस कहते इतनी खामोशी है कहते इतना सुकून दिखा कहते उनको स्कूल में कहते हो बेस्ट प्रिंसिपल बेस्ट टीचर भी कहते और पीछे हाथा मल लेंगे प्रिंसिपल जा रहे कहते हर एक क्लास को खामोश साइलेंस सब बच्चे यूं बच्चों के दिल में खौफ रखे होंगे सर किसी बात का उनको जमील सर क्लास अटेंड नहीं करे टीचिंग का डेफिनेशन नंबर टीचिंग मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल interaction between two people one is matured another is less matured one is known another is unknown samajh rahe do afraad ke darmiyan hone wali bahami guftagu kuch hum kya bara tadris bara do afraad ke maane wo idhar ek sar ho sakta hai idhar ek majmua ho sakta kamra jamaat ho sakta bahami guftagu hona collaborative learning hona cooperative learning hona group discussions hona interaction hona interactive abl activity based learning hona you know piche hatha laga lega बड़े साहब प्रिंसिपल साहब कहते चश्मा यूं लगा लेंगे गुस्से में देख ले जा रहा व्हाट इज दिस साइलेंस नॉन स्टॉप वो कुछ भी नहीं है वो प्रिंसिपल को देख के बच्चे पूरे खामोश हो गए कोसी लर्निंग थ्योरी है जी प्रिंसिपल को देख के बच्चे पूरे खामोश एवान पाउलू सर एवान पाउलू क्लासिकल कंडीशनिंग पूरा खामोश आ रहे क्यों डर प्रिंसिपल का मारता लकड़ी लेकर निकाल देता आप देखो एक्शन का शूज बोल के ऐड आता था बहुत दिन पहले एक्शन का शूज बोल याद है एक्शन का शूज का एक्शन का शूज वो स्कूल शूज का ऐड आता था उसमें बच्चा
सीढ़ियां पे से उतरते उतरते गुड गुड मॉर्निंग टीचर बोल के बोलता बच्चा और कर अपना गुड गुड मॉर्निंग गुड बोल के फिर गुड मॉर्निंग बोलता है। खेलते खेलते जाते रहता अनकंडीशनल रहता टीचर को देखते कंडीशन में आता क्यों टीचर सता देते जज्बा सता देते हैं कंडीशन कंडीशनिंग में क्या होता है उसके उसके फीलिंग चेंज होता है उसका एटीट्यूड चेंज होता है उसका बिहेवियर चेंज होता है कंडीशनिंग कंडीशनिंग अच्छी चीज है। कंडीशनिंग के जरिए हम क्या कर सकते हैं मतलब आदतों को छुड़वा सकते हैं हैबिट्स को चेंज कर हैबिट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं पावलो के नजरिए के मुताबिक। तो यहाँ पर उतना भी साइलेंस अच्छा नहीं है साइलेंस इज गोल्ड बट नॉट गुड इन स्कूल एनवायरमेंट। ओके तो नॉन स्टॉप टॉकिंग बच्चों को बात करने देना बात करने दो उनको ताकि उनका हम लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट कर सकते और अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में इमोशनल डेवलपमेंट देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कल आपका एग्जाम आने वाला है कौन से स्टेज में स्पॉन्टेनियस इमोशंस रहते हैं बल्कि पूछता स्पॉन्टेनियस इमोशंस के मतलब क्या होता अचानक बेकाबू बेकाबू जज्बात आए थे बच्चों बच्चे रोक नहीं सकते अपने जज्बात अनस्टॉपेबल अनकंट्रोलेबल मतलब आप बच्चे को ए बोलते रोना शुरू करता हूँ एकदम छोटे बच्चे गौर कर तीन साल के चार साल के बच्चों को जरा भी ऐसा हाथ उठाए भी तो रोना शुरू करके खाली हाथ उठाते वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते बच्चे इमोशंस को जज्बात को यहाँ पर बेकाबू रहते स्पॉन्टेनियस बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलो आप याद रख लो इमोशंस आर स्पॉन्टेनियस इन विच स्टेज मतलब क्या कौन सा स्टेज बोलना अर्ली अर्ली बचपन में उसके जज्बात बेकाबू रहते हैं स्पॉन्टेनियस का मतलब इमीडिएटली फौरन आ जाते सब जज्बात की मुजाहरा फौरन करता हूं एक चुप बोलते अगर आप स्माइल दो उन्हें भी स्माइल देता आप तारीफ करो उन्हें भी मुस्कुराता आप हाथ दो उन्हें भी अरे जज्बात को जल्दी एक्सप्रेस करते बच्चे यहाँ पर दे कैन नॉट कंट्रोल दे इमोशंस बोला अपने जज्बात को काबू में रख नहीं सकते ठीक है ना जज्बात जैसा कि गुस्सा है या ना तो डर है या ना तो खुशी है या ना तो रोना है जितने भी जज्बात होते वो लोग काबू में नहीं रख सकते ठीक है ना आप रख सकते हैं काबू में मेरे स्टूडेंट जो सुन रहे हैं जवेरिया सोफिया जज्बात को काबू में रख सकते हैं जज्बात को इफ यू वांट प्रमोशन यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस इफ यू वांट प्रमोशन यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड योर सक्सेस इज प्योरली डिपेंड ऑन याद रख लो अच्छा डायलॉग मारो एक मिनट में क्लास खत्म होती सेकंड सेशन में ज्वाइन होना है अपने को बीच बीच में अच्छे बातें बोलते रहे तो मोटिवेशन क्या Your success is purely depend upon your emotions. आपकी कामयाबी किस पे मुनसिर है वो तो आपके जज्बात पे ही मुनसिर है तो सबसे पहले आप जज्बात को समझना है जज्बात क्या है समझना है क्योंकि डैनियल गोलमैन के मुताबिक IQ is not important. What is important? डैनियल गोलमैन के मुताबिक EQ important. किताब लिखते Why emotional quotient is more important than IQ बल्कि 1995 में बुक लिखते हो उसके बाद फिर होवर्ड गार्डन की एक थ्योरी आती मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी मैं इंटेलिजेंस थ्योरी बोलता हूँ बोलता हूँ ठीक है ना तो इमोशनल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी कामयाब लोग हैं दुनिया में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में चाहे वो टेट हो चाहे सीटेट हो चाहे गुरुकुल हो DSE हो ग्रुप्स हो IAS हो सिविल हो नीट हो NDA हो या ना तो IIT एग्जाम हो ये सभी कामयाब लोग का राज क्या है बोलते दे आर कंट्रोलिंग दे हैव कंट्रोल देयर इमोशंस उनको काबू उनके जज्बात पे काबू है जज्बात पे जो काबू करता है वही अपने आप की कामयाबी के रास्ते पे अपने आप को ठहरा कर सकता है जज्बात को काबू में रखना बहुत जरूरी है जज्बात को काबू में कौन नहीं रखते बोले तो इन्होंने रखते कौन ये देखो सामने इस वाले कौन है जी 3 से 5 साल के बच्चे आपके घर में जो खेले रहे आंगनबाड़ी के बच्चे आंगनबाड़ी के टीचर जरा क्या बोली क्यों नहीं जाता बोलता हूँ रुक जाता हूँ तो इस तरह से Children this stage cannot control their emotions and children often selfish. ये बहुत अच्छा important point है. कौन से stage में बच्चे खुदगर्ज होते हैं बोल के पूछता जीन पियाजे के मुताबिक egocentrism रहता है यहाँ पर खुदगर्ज होते हैं बच्चे ठीक है ना कुछ भी तो पूरा उमाइज खाता हूँ पूरा मेरे कुछ होना